Okay. Hello guys and welcome back to another episode. of Travelog View, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साउंड के बारे में, साउंड इफेक्ट्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साउंड के बारे में, साउंड इफेक्ट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं कि जब वो कोई फिल्म बनाते हैं या शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या कोई वीडियो क्रिएट करते हैं तो उसमें साउंड पे एक तो ज़्यादा वो लोग एम्फेसिस देते नहीं है। ये गलती मैंने भी की है। खराब सा जो फुटेज होता है वो तो हम लोग फिर भी देख लेते हैं, बट अगर साउंड अच्छा नहीं होता ना तो मजा नहीं आता वीडियो देखने का। चिप 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 आती रहती है उसमें। तो साउंड इफेक्ट्स जो होते हैं जब हम लोग मूवीज देखते हैं तो हम लोग को कभी फील नहीं होता कि हम लोग वहां पे प्रेजेंट नहीं है। अब वो बात अलग है, अगर थोड़ी एडिटिंग खराब है तो हम लोग को लगता है कि यार। पहली गलती लोग करते हैं कि साउंड इफेक्ट्स इन्वॉल्व नहीं करते अपने सीन में, और दूसरी लोग गलती करते हैं कि एम्बियंस साउंड जो होती है उसको एकदम मतलब मिनिमाइज कर देते हैं, मतलब आती ही नहीं है एम्बियंस साउंड, पता ही नहीं लगता, और उसमें फिर जब वो साउंड इफेक्ट्स डालते हैं तो वो एकदम आर्टिफिशियल से लगते हैं और उसकी वजह से शॉट एकदम ब्लैंक सा लगने लगता है, मतलब कि उस शॉट में कोई जान ही नहीं है। अब जैसे कि हम लोग पार्किंग लॉट में घूम रहे हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट है, वहां पे बहुत सारी साउंड होंगी, ऐसा तो है नहीं कि एकदम ब्लैंक सा एकदम मतलब कुछ साउंड ही नहीं आएगी वहां पे। आसपास गाड़ियों की साउंड आएंगी, एको होगा। तो भले ही आप कोई भी चीज शूट कर रहे हो, मेक श्योर कि हर शॉट पे आप साउंड इफेक्ट्स पे जरूर काम करें। वैसे कुछ है नहीं। अब जब हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म शूट की तो वहां पे हम लोगों को दिखाना था कि खड़ी गाड़ी है बट वो हाईवे पे चल रही है। क्रैश करने से अच्छा है कि मैं कहीं खाई में जाऊं और गिर के मर जाऊं। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो इंपैक्ट शो करना था। प्रपोज किया था, वो अब मैरिड है और वैसे भी ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। तो जितना टाइम हम लोग फोकस करते हैं वीडियो का एडिट करने में, उससे ज्यादा ध्यान हम लोग को देना चाहिए साउंड डिजाइन में। किस तरीके से आप चाहते हो ऑडियंस को इंग्रेव करना अपनी फिल्म में, किस तरीके का एम्बियंस आप क्रिएट करना चाहते हो, इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन साउंड इफेक्ट्स और साउंड डिजाइन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, मेरी क्रिसमस, विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आ गया, पता भी लगा 2018 तो ऐसे निकला। फक यहाँ से साउंड इफेक्ट देखा।